एट नाइन टेन इलेवन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उस्ताद अब्दुल वहीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वर्कआउट बैक का वर्कआउट है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सेट बताने हैं लगा के। आज आपको पता है हमारे लाहौर पंजाब और पाकिस्तान के कंपटीशन मुकाबले शुरू हैं हमारे, और ये ट्रेनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। आपको पता है लोग फ्री वेट पर कम जाते हैं, सारी मशीनों के ऊपर ही आते हैं। आज मैं इसलिए आपको आज मैं छोटे छोटे अपने वो जो ट्रेनिंग है आपको बैक की वे ये आप मशीन के ऊपर ही बताने लगा हूँ। आपको इसी डिफरेंट एंगल में लगाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप बड़े फिट हो जाएंगे। मैं पहला साइड लगा के दिखाता हूँ आपको बैक का। ये देखें, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। आपने एक पता है मुकाबले के दौरान ये जिस्म जो होता है ना ये सिर्फ पालिश होना होता है, बढ़ता नहीं है, ये मसली का सारा जिसम। इसमें रैप आपको ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, सुपर सेट लगाने पड़ेंगे, ड्रॉप सेट लगाने पड़ेंगे और फिर ही आपका मसल वाजह नज़र आना शुरू होगा। और इसके इशू ये भी होता है साथ, डाइट प्लान बड़ा मुख्तर होता है इसमें। आपको पता है सारे बच्चे प्रोटीन के ऊपर आने पड़ते हैं, आना पड़ता है उनको, और साथ साथ एक टाइम कार्ब भी लेते हैं, प्रोटीन के ऊपर भी आना पड़ता है, फिर ही जिसम को पूरी जिसम की जो पर्सनैलिटी होती है वो ही दिखती है बंदे को। क्योंकि स्टेज के ऊपर हर मसल वाजह नज़र आना चाहिए, जब जिस्म को जल लगती है तो जिस्म को आपको वाजह नज़र आना चाहिए। अब मैं दूसरा सेट बताऊंगा आपको रोप के साथ। ये देखें, अब मेरा सर लगाऊंगा, ये फ्रंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। आपको थोड़े मैं आज डिफरेंट साइड बता रहा हूँ लगा के, ठीक है। इसी एंगल से इसी तरीके से लगाएंगे, अपना डाइट प्लान सही रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप बहुत मेरी तरह इस उम्र में फिट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको तीसरा सेट बताता हूँ केबल रोइंग के ऊपर, ठीक है। बड़ा डिफरेंट सेट है, सिंगल में बताऊँगा आपको, सिंगल में कड़ा लगा के आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं सिंगल केबल रोइंग के ऊपर बैठा हूँ, सिंगल में लगा के दिखाऊँगा आपको कड़ा, और सिंगल के बाद फिर डबल कड़ा भी लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखें, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दूसरी साइड ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व।
ये मैंने आपको दोनों सेट लगा के बताए हैं कड़े के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कट्ठा सेट लगा के रोप के, और ये कड़ा एक और डालूंगा ऊपर, और जिस एंगल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आपने उसी एंगल से ट्रेनिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे कंपटीशन आ रहे हैं बड़े, लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के कंपटीशन आ रहे हैं। आप लोगों ने सब ने कंपटीशन में जाना है, और सारे कंपटीशन आप लोगों ने देखने भी हैं, और इंशाल्लाह इससे इंसान का और बच्चों का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये लोग ट्रेनिंग करते हैं और ये बुरी लान से बचेंगे, नशे की लान से ये लोग बचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। जिस मेरी वीडियो को आप पूरा देखा करें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें आप, मैं डबल साइड लगा के बताने लगा आपको। ये छोटी रोब है, ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बात वही आ जाती है, आपने कोई भी जिस्म का हिस्सा बड़ा करना है बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी में, शोल्डर में, बैक में, आपको हैवी गेम करनी पड़ेगी, बारी बारी सेट लगाना पड़ेगा, और आपको डाइट प्लान अच्छा लेना पड़ेगा। अगेन करना है तो फिर आपको 3-3 घंटे बाद आपको डाइट प्लान लेना पड़ेगा। आपको पता है डाइट प्लान तो बहुत महंगा है, फिर भी अपनी फिजिक फिटनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए बंदा सेट होगा। आपको पता आजकल तो मॉडलिंग बड़ी हो रही है, मॉडलिंग में आप जैसे शर्टें पहनेंगे, ट्राउज़र पहनेंगे, और बंदा खूबसूरत लगता है, जैसे कहते हैं वो चलता फिरता बंदा सोहना लगता है। अपनी डाइट का ख्याल करो इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है तुसी मेरी उम्र तक 61 तक अल्लाह मेहरबानी है तुसी फिट हो जाओगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको पहले मैंने आपको बताया ने 3 सेट लगा के, ठीक है, एक मैंने डबल बताया आपको। अब मैं सिटर रोइंग के ऊपर आया हूँ, ठीक है, ये सिटर रोइंग के मैं बाहर खोल के हाथ लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है यार। कोई गेम मुश्किल नहीं है, अपना डाइट प्लान सही करोगे इंशाल्लाह की मेहरबानी से आप बड़े फिट हो जाएंगे यार। आपको पता ही है आजकल हर बच्चे को बहुत जल्दी है, 3 माह के अंदर अंदर बॉडी बिल्डर की बड़ी, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ 3 माह के अंदर अंदर। भाई कोई भी काम शुरू से करने से पहले आपको टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम लगता है, फिर इंशाल्लाह की मेहरबानी से आप फिट होंगे। पहले एक से दो साल पहले ट्रेनिंग करें ना आप, और फिर आपका पता चलेगा वाकई भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपनी डाइट अच्छा करें फिर ही आप इंशाल्लाह की मेहरबानी से फिट होंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ सेट लगा के सिटर रोइंग के ऊपर, ये डालूंगा मैं बाहर हाथ, ये ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। मशीन को भी छोड़ना पड़ता है, और जिस तरीके से मैं एंगल लगा रहा हूँ, किसी के पास मशीनें जिम में नहीं होती, ठीक है, वो फ्री वेट के ऊपर भी ट्रेनिंग कर सकता अपनी लाइट वेट पे। जब कंपटीशन आते हैं फिर सुपर कोई हैवी वेट नहीं लगाना आप लोगों ने, फिर 5-5 की प्लेट डाल के 15 5 की 5-5 की प्लेट डाल के आपने रैप ज़्यादा निकाल लिए हैं, जैसे 20-25-30-40-50 रैप ऐसे लगाते हैं। आज मैं वीडियो इसी बारे में बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ वीडियो आगे, क्योंकि कंपटीशन आ रहे हैं हमारे, और आपने जब बंदा डेफिनेशन के ऊपर होता है फिर वेट लगाना, वेट आपने ज़्यादा नहीं लगाना, आपने सुपर वेट ही लगाना सारा, हैवी वेट ही लगाना, सुपर वेट ही लगाना सारा, जिसके रैप आपके ज़्यादा से ज़्यादा निकले आपको। अब मैं बता रहा हूँ ये बैक पोल्डर मशीन के ऊपर, ये देखें, वल्ला ये देखें, अंदर से आ डालूंगा मैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1, 2, 3. जिस इस एंगल से मैं आपको ट्रेनर लगा के दिखा रहा हूँ, आपने उसी एंगल से ही लगाना है ट्रेनिंग। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप बैक आपकी बड़ी फिट हो जाएगी। मैं बैक का पोज आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैक मेरी आप देख सकते हैं। अब मैं अगला सेट बताऊंगा आपको, वो टी बार के ऊपर, ठीक है, लगा के। वो सेट आगे पड़ा है, वो हम आप सेट की तरफ जा रहे हैं, वो सेट आपको लगा के दिखाते हैं हम, ठीक है। अब मैं आया हूँ ये ऊंचे टी बार के ऊपर। ये भी बड़ा डिफरेंट सेट है और बड़ा अच्छा सेट लगता है। जो नीचे वाला टी बार होता है थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो ज़रा हैवी होता है। ये आसानी से अपनी चेस्ट ऊपर रख के ये आप ट्रेनिंग बड़े अच्छे और अच्छी तरीके से और अच्छे एंगल से कर सकते हैं। ये देखो, मैंने बताने लगा साइड लगा दिया। इसके पांव पीछे चले जाएंगे, ये 1, 2, 3। ये मैंने आपको पूरी मुकम्मल गेम बताई है बैक की, और बड़े अच्छे सेट हैं ये माशाल्लाह। इसके आपने मुकाबले आ गए हैं आपको पता ही है, और इसके आपने रैप ज़्यादा निकालने हैं। हैवी वेट ही निकालना, कुछ साथ हैवी वेट लगा देते हैं। हैवी वेट लगाने से आपकी इंजरी निकल आएगी। जब कंपटीशन होता है बंदा, तब बड़ा मुश्किल होता है बंदे को, ठीक है ना। मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत मुस्ताद हूँ और आप लोगों को भी मुस्ताद करता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को भी लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम को भी लाइक कीजिए, और मेरा नया टिकटॉक चैनल है उसे भी लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए लंबा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं जा चाहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद।